हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकंड ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। अपना टॉपिक चल रहा था रेडियो थेरेपी। रेडियो थेरेपी में दो पार्ट्स की होती है, दो तरह की होती है, टेली थेरेपी और ब्रेकी थेरेपी। ये सारे इसके क्या पार्ट्स बताए गए हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं टेलीथेरेपी में किलो वोल्टेज मशीन की। किलो वोल्टेज मशीन कितने टाइप से क्लासिफाइड होती है? ग्रेंज रे थेरेपी, काउल थेरेपी, सुपरफिशियल थेरेपी और डीप थेरेपी। किलो वोल्टेज मशीन के डिसएडवांटेज क्या थे? इंक्रीज्ड एब्जॉर्ब डोज ऑफ स्किन, तो स्किन की एब्जॉर्ब डोज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इंक्रीज्ड स्केटरिंग रेडिएशन, जो स्केटर रेडिएशन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। कैन नॉट ट्रीट डीप ट्यूमर, ये क्या ज्यादा गहराई वाले ट्यूमर को ट्रीट नहीं कर पा रही थी। ये थी अपनी किलो वोल्टेज मशीन। देखो डायग्राम में बताया कि किलो वोल्टेज मशीन इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है कि एक साइड में फिलामेंट होता है कैथोड, और एक साइड में कैथोड कप, दूसरी साइड होता है अपना एनोड, उसके बाहर क्या कॉपर के हुड बने होते हैं। ये हुड क्या काम आते थे? रेडिएशन ज्यादा स्केटर ना उसको रोकने के लिए। अब ये क्या है, किलो वोल्टेज मशीन का ब्लॉक डायग्राम बताया गया है। नेक्स्ट आती है अपनी टेलीकोबाल्ट मशीन। टेलीकोबाल्ट मशीन कंसिस्ट ऑफ, इन किस किस से मिलकर बनी होती है? स्टैंड से, गेंट्री से, सोर्स हेड से, बीम स्टॉपर, ट्रीटमेंट काउच और कंट्रोल कंसोल। ये सारे के टेलीकोबाल्ट मशीन के पार्ट्स हैं। स्टैंड क्या करता है? मशीन का बेस होता है। गेंट्री, गेंट्री स्टैंड से कनेक्ट होती है और ये 360 डिग्री पे रोटेट होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सोर्स हेड और बीम स्टॉपर। सोर्स हेड में क्या होता है? सोर्स होता है, शटर होते हैं और कोलिमिटर्स होते हैं। फिर आता है अपना बीम स्टॉपर। बीम स्टॉपर क्या करता है? एग्जिट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट काउच, जहां पे सेट क्या ट्रीटमेंट के टाइम लेटता है, वह पार्ट कौन सा होता है? ट्रीटमेंट काउच। उसके नेक्स्ट है कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल से क्या होता है? पूरी मशीन कंट्रोल होती है। सोर्स हेड की बात करें तो इसमें क्या है, सोर्स होते हैं, शटर होते हैं। शटर कितने टाइप्स के होते हैं? मरकरी शटर, जिसमें क्या है मरकरी फिल रहती है तो रेडिएशन ऑफ रहती है। जब अपने को सोर्स ऑन पोजिशन में लाना हो तो क्या करेंगे, मरकरी को बाहर निकाल देते हैं। फिर आता है अपना रोटेटिंग व्हील शटर। उसमें क्या होता था, एक स्प्रिंग होती थी जिससे एक व्हील होता था, वो रोटेट करता था। व्हील के ऊपर के पार्ट में क्या होता है, सोर्स होता है। जब उसको ऑन करना तो उसको 180 डिग्री रोटेट करते थे और सोर्स ऑन हो जाता था। जब ऑफ पोजिशन में लाना हो तो सोर्स क्या वापस टेंशन स्प्रिंग के द्वारा अपनी पोजिशन में चला जाता था। एक होता था अपना मूविंग जो। मूविंग जो में क्या होता था, दो हाई एटॉमिक नंबर के जो जो होते थे वो जब मूव आउट होते थे तो सोर्स क्या है ऑन पोजिशन में हो जाता था। मूव इन होने पे क्या है, सोर्स ऑफ पोजिशन में हो जाता था। लास्ट होता था अपना स्लाइडिंग ड्रावर। स्लाइडिंग ड्रावर कैसे होता है, यह बहुत ज्यादा हल्का ड्रावर होती थी, इसके ऊपर सोर्स लगा होता था एक सिरे में। जब अपने को ऑन पोजिशन में लाना है तो अपने क्या करते थे, सोर्स स्लाइडिंग ड्राइवर को बाहर कंप्रेस किया जाता था, कंप्रेशन पेडल्स के द्वारा या टेक्निकल प्रेशर के द्वारा। तो ड्राइवर बाहर चल जाती थी और सोर्स ऑन हो जाता था। जब अपने को ऑफ पोजिशन में लाते हैं तो क्या करते हैं, ड्राइवर वापस मूव इन हो जाती थी और सोर्स ऑफ हो जाता था। इन सारे शटर्स में एक टेक्निक होती थी, क्या
कि जब बाय चांस अगर फेलियर हो जाए, करंट फेलियर हो जाए, लाइट चली जाए, उस कंडीशन में सारे सोर्स क्या है ऑफ पोजीशन में आ जाते थे। कोलिमेटर्स, कोलिमेटर्स अपने टू टाइप्स के होते थे, सिमेट्रिक कोलिमेटर और एसिमेट्रिक कोलिमेटर। सिमेट्रिक कोलिमेटर वो होते थे जिसमें क्या है एक्स वन एक्स टू पे और वाई वन वाई टू पे डिपेंड करता था। एसिमेट्रिक कोलिमेटर वो होते थे जिसमें अपने कैसा भी फील्ड साइज ओपन कर सकते थे, जिसमें कोई भी कोलिमेटर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता था। अब आगे अपने बात करते हैं इसके सोर्स की। सोर्स कौन सा यूज किया जाता था? रेडियम, जिसकी हाफ लाइफ क्या थी 1600 ईयर्स। एवरेज एनर्जी क्या थी? 0.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट था अपना कोबाल्ट 60, इसकी हाफ लाइफ होती है 5.26 ईयर्स। इसकी एवरेज एनर्जी क्या है? 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट अपना सीजियम 137, इसकी हाफ लाइफ क्या है 30 ईयर्स। और इसकी एवरेज एनर्जी क्या थी? 0.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखो टेलीकोबाल्ट मशीन का अपने को एक डायग्राम दिखाया गया है। ये स्टैंड होता है, ये इसमें आगे क्या है गैंट्री लगी होती है। ये गैंट्री के दो पार्ट्स होते हैं, सोर्स हेड और बीम स्टॉपर। ये अपना हो गया ट्रीटमेंट काउच। और मशीन से थोड़ा साइड में क्या होता है सेकेंडरी वॉल्स की तरफ कंट्रोल कंसोल। सोर्स हेड में क्या क्या आता है? सोर्स आता है, फिर उसके बाद कोलिमीटर्स आते हैं, शटर्स आते हैं, तीनों चीज सोर्स हेड में आती है। ये क्या है टेलीकोबाल्ट मशीन का ब्लॉक डायग्राम अपने को दिखाया गया है। इसके बाद आती है अपनी लीनियर मशीन, जो अपन ने क्या है लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लीनियर मशीन्स के चार पार्ट्स में होती है, स्टैंड, गैंट्री, ट्रीटमेंट काउच और कंट्रोल कंसोल। ये क्या है चार पार्ट से मिलके बनी होती है। स्टैंड में कौन कौन सा पार्ट आता है इसका? कैलेस्ट्रॉन, वेवगाइड, सर्कुलेटर और कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट आती है अपनी गैंट्री, गैंट्री में कौन कौन सा पार्ट आता है? इलेक्ट्रॉन गन, एक्सीलेटर ट्यूब, बाइंडिंग मैग्नेट और ट्रीटमेंट हेड और लास्ट है बीम स्टॉपर। इसका नेक्स्ट पार्ट था ट्रीटमेंट काउच और लास्ट है कंट्रोल कंसोल। ये देखो इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है, ये पार्ट इसका क्या है स्टैंड में आता है ये वाला। तो स्टैंड में क्या आ गया? कूलिंग सिस्टम, कैलेस्ट्रॉन, वेवगाइड और सर्कुलेटर। कैलेस्ट्रॉन क्या होता है? माइक्रोवेव्स का सोर्स होता है, इससे माइक्रोवेव्स निकलती है। और वेवगाइड क्या करता है? इनको आगे की तरफ भेजता है। सर्कुलेटर्स क्या करते हैं? जो रिफ्लेक्टिंग होके वापस आते हैं माइक्रोवेव्स, उनको वापस नहीं आने देता है, आगे भेज देता है। और कूलिंग सिस्टम क्या है? मशीन को पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इसके बाद आता है अपना गैंट्री पार्ट, गैंट्री में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन गन, एक्सीलेटिंग ट्यूब, बाइंडिंग मैग्नेट, ट्रीटमेंट काउच और बीम स्टॉपर। तो एक्सीलेटर ट्यूब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो एक्सीलेटर ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर नहीं जाने देगा। मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, उनको आगे फील्ड आगे भेजा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाइंडिंग मैग्नेट से, बाइंडिंग मैग्नेट से जाते हैं ट्रीटमेंट हेड में। ट्रीटमेंट हेड्स में क्या है अपने को कौन से मोड पे मशीन क्या ऑपरेट करे वो देखना होता है। अगर एक्सरे मोड पे ऑपरेट करे तो क्या है यहाँ पे रेडिएशन निकलेगी और एक्सरे से ट्रीटमेंट होगा। अगर अपने क्या इलेक्ट पार्टिकल थेरेपी चाहिए, है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें क्या टारगेट को हटा देते हैं और डायरेक्ट क्या इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिससे क्या ट्रीटमेंट होता है। ये है अपना लीनियर मशीन का ब्लॉक डायग्राम। ये देखो एक्सरे मोड,
दो मोड्स होते हैं इसमें, एक्स-रे मोड और इलेक्ट्रॉन मोड। जब यहां से क्या है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बाइंडिंग मैग्नेट से गुजरते हैं, तो बीच में क्या एक्स-रे टारगेट लगा दिया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और एक्स-रे जनरेट करेंगे। और जब अपने क्या करेंगे टारगेट यूज करें एक्स-रे जा रहे हैं, तो इसके बीच में फ्लेटरिंग फिल्टर लगाते हैं जिससे क्या एक्स-रे सेम क्वांटिटी में आती है अपने पास, बिल्कुल इक्वल होकर नीचे आएगी। फिर आयन चैम्बर लगा होता है, सेकेंडरी कॉलिमेटर होता है, लास्ट में क्या है पेशेंट पे ट्रीटमेंट्स होता है। इसके बाद आता है अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन मोड। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें अपने टारगेट हटा देंगे डायरेक्ट, अपने क्या है पार्टिकल थेरेपी चाहिए इलेक्ट्रॉन थेरेपी चाहिए, तो टारगेट की कोई आवश्यकता नहीं है, टारगेट हटा दिया इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट आएंगे और स्कैटरिंग फॉल से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे स्कैटर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना आयन चैम्बर, सेकेंडरी कॉलिमेटर और एप्लीकेटर्स। फिर पेशेंट को क्या है थेरेपी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एप्लीकेटर्स क्या काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एयर से स्कैटर्ड ना हो उसको रोकने के लिए अपने क्या करते हैं एप्लीकेटर्स का यूज करते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन मोड का एक डायग्राम। इसके बाद अपने बात करते हैं ब्रेकी थेरेपी की, टाइप्स ऑफ ब्रेकी थेरेपी। ब्रेकी थेरेपी कितने टाइप्स की होती है, सरफेस मोल्ड ब्रेकी थेरेपी, इंट्रा कैविटरी ब्रेकी थेरेपी और इंटरस्टिशियल इम्प्लांट ब्रेकी थेरेपी। सरफेस मोल्ड में अपने को पता चल रहा है एक मोल्ड बना के रखते हैं बिल्कुल सरफेस पे और थेरेपी दी जाती है। इंट्रा कैविटरी थेरेपी, इंट्रा कैविटरी थेरेपी कितने टाइप से होती है यानी अंदर इम्प्लांट करने की, परमानेंट इम्प्लांट और टेम्परेरी इम्प्लांट। परमानेंट इम्प्लांट तो हो गया कि जैसे अपने परमानेंट इम्प्लांट करके छोड़ दिया जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी, हाफ लाइफ खत्म हो जाएगी, सोर्स ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टेम्परेरी इम्प्लांट वो होता है जो एक बार अपन ने क्या इम्प्लांट कर दिया, थेरेपी मिलती रही एक टाइम लिमिट के बाद उसको क्या है सोर्स को रिमूव कर दिया जाता है। फिर आती है अपनी इंटरस्टिशियल इम्प्लांट ब्रेकी थेरेपी। इंटरस्टिशियल इम्प्लांट ब्रेकी थेरेपी होती है सर्विक्स के कैंसर के लिए, तो उसमें अपने यूज करते हैं मैनचेस्टर सिस्टम। मैनचेस्टर सिस्टम कितने टाइप कैसे होता है, इसमें चार पॉइंट्स होते हैं जिन पे क्या थेरेपी दी जाती है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ब्लड एंड रेक्टल। देखो अपने ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है ये सर्विक्स है जिसके एक्सटर्नल ओरिफेस से 2 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में और 2 सेंटीमीटर लेटरल साइड में कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ए, और पॉइंट ए से 3 सेंटीमीटर लेटरल साइड में होता है अपना पॉइंट बी, और 2 पॉइंट और होते हैं अपना ब्लैडर और रेक्टल, उन पे क्या है थेरेपी दी जाती है। अब इसमें अपने बात करेंगे ब्रेकी थेरेपी के लोडिंग सिस्टम की, यानी अपने सोर्स को कब लोड करते हैं, पहले लोड करते हैं बाद में लोड करते हैं, या ऑटोमेटिक लोड होता है, रिमोट से लोड होता है, मैन्युअली लोड होता है, वो अपने पढ़ेंगे अब। तो अब पढ़ते हैं अपने ब्रेकीथेरेपी का लोडिंग सिस्टम। देर आर टू टाइप्स ऑफ लोडिंग सिस्टम। लोडिंग सिस्टम क्या है, दो टाइप्स का होता है, प्री लोडिंग सिस्टम और आफ्टर लोडिंग सिस्टम। नाम से देखो पता लग रहा है प्री लोडिंग सिस्टम मतलब पहले ही लोड कर देना, आफ्टर लोडिंग मतलब पहले एप्लीकेटर्स लगाने के बाद सोर्स को लोड करना। आफ्टर लोडिंग में दो टाइप से होते हैं, मैनुअल आफ्टर लोडिंग सिस्टम और रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम। मैनुअल मतलब खुद इसको क्या है वर्कर सोर्स को लोड करता है, रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम में क्या है ये एक सारा सोर्स लोड किया जाता है रिमोट के द्वारा। अब आगे अपने इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला है अपना प्री लोडिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम लोडिंग द रेडियोएक्टिव सोर्स फॉर ऑलरेडी लोडेड इन द एप्लीकेटर फॉर द ट्रीटमेंट, इट इज कॉल्ड प्री लोडिंग सिस्टम। इस सिस्टम के में क्या है रेडियोएक्टिव सोर्स पहले से ही लोडेड होता है, एप्लीकेटर्स जिससे कि अपने थेरेपी देते हैं उनमें सोर्स पहले से ही लोडेड होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं प्रीलोडिंग सिस्टम। इसका डिसएडवांटेज क्या है,
एक्स्ट्रा एंड हार्मफुल रेडिएशन टू बोथ वर्कर एंड द पेशेंट। इसमें क्या, पेशेंट को और वर्कर को दोनों को एक्स्ट्रा हार्मफुल रेडिएशन मिलती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसको दूर करने के लिए क्या सिस्टम आया अपने पास, आफ्टर लोडिंग सिस्टम। आफ्टर लोडिंग सिस्टम, इन दिस सिस्टम द एप्लीकेटर इज फर्स्ट इंसर्ट इनटू द पेशेंट एंड आफ्टर दैट रेडियोएक्टिव सोर्स आर लोडेड इनटू द एप्लीकेटर। इसमें क्या है, पहले अपने फर्स्ट यानी सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेटर्स को पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद अपने क्या करेंगे, रेडियोएक्टिव सोर्स को लोड करते हैं। द लोडिंग इज कैरिड आउट बाय टू मेथड, जो लोडिंग है वो क्या है, दो मेथड से की जाती है, मैनुअल आफ्टर लोडिंग सिस्टम और रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम। अब इन दोनों को अपने आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आता है मैनुअल आफ्टर लोडिंग सिस्टम, इन दिस सिस्टम द रेडियोएक्टिव सोर्स आर लोडेड इनटू द एप्लीकेटर मैनुअली। इस सिस्टम में क्या है, रेडियोएक्टिव सोर्स को मैनुअली लोड किया जाता है, यानी वर्कर के द्वारा लोड किया जाता है, तो इस सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं, मैनुअल आफ्टर लोडिंग सिस्टम। फिर आता अपना रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम, इन दिस सिस्टम द डायरेक्ट लोडिंग ऑफ द सोर्स बाय वर्कर इज इलिमिनेटेड। इस सिस्टम में क्या है, डायरेक्ट वर्कर के द्वारा सोर्स को लोडेड नहीं किया जाता है। इन द मोस्ट एडवांटेज एंड करंटली यूज्ड सिस्टम, ये क्या है, मोस्ट एडवांटेज यानी बहुत ज्यादा काम में आने वाला, और करंटली यूज सिस्टम अब यानी अभी इसको सिस्टम को काम में लिया जा रहा है, कौन से को, रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम को। इसमें क्या है, पेशेंट को भी डोज कम लगती है, वर्कर को भी डोज कम लगती है। रिमोट आफ्टर लोडिंग आर अवेलेबल इन LDR, MDR और HDR। ये क्या है, तीन टाइप से होते हैं। LDR में क्या होता है, लो डोज रेट, इसकी डोज रेट कितनी होती है, 0.4 से 2 ग्रे पर आवर। मीडियम डोज रेट, मीडियम डोज रेट में कितनी आती है, 2 से 12 ग्रे पर आवर। हाई डोज रेट HDR, इसमें कितनी आती है, 12 ग्रे से ज्यादा की डोज पर आवर में। ये तीन सिस्टम्स है जिसके द्वारा क्या है, अपने को लोअर डोज देनी है तो अपने LDR सिस्टम यूज करते हैं, मीडियम डोज दे रहे हैं तो अलग होगा, हाई डोज दे रहे हैं तो अलग होता है। नेक्स्ट देखो, रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम यूज्ड कोबाल 60, सीजियम 137, आयरन 192 एज रेडियोएक्टिव सोर्स। रिमोट आफ्टर लोडिंग में क्या है, सीजियम, कोबाल 60 और आयरन यूज में लिए जाते हैं। HDR ट्रीटमेंट आर परफॉर्म्ड इन फुली शील्डेड रूम सिमिलर टू टेलीकोबाल्ट मशीन। हाई डोज रेट ट्रीटमेंट क्या है, फुली शील्डेड रूम में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि टेलीकोबाल्ट मशीन। देखो अपने को HDR मतलब हाई डोज रेट, हाई डोज रेट ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्या है, रूम भी फुली शील्डेड होना चाहिए। द रूम हैज डोर इंटरलॉक, विजिबल एंड ऑडिबल डिवाइस, CCTV एंड इंटर कम्युनिकेट डिवाइस आर अवेलेबल इन द कंट्रोल कंसोल। रूम में क्या कंट्रोल कंसोल होता है, उसमें सभी प्रकार के सिस्टम होते हैं, जैसे कि डोर इंटरलॉक, विजिबल एंड ऑडिबल रिमाइंडर, CCTV एंड इंटर कम्युनिकेट डिवाइस। इसके बाद अपने बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम। रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है, दिस सिस्टम रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर टू द हॉस्पिटल स्टाफ। ये क्या करता है, हॉस्पिटल स्टाफ की रेडिएशन एक्सपोजर को बहुत ज्यादा कम कर देता है। ट्रीटमेंट टेक्निक आर इम्प्रूव्ड, इसकी ट्रीटमेंट टेक्निक भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है।
बेटर पेशेंट केयर इन नॉर्मल एज वेल इज इन एमरजेंसी कंडीशन। इसमें क्या बेटर पेशेंट केयर होती है, किस केस में, इमरजेंसी कंडीशंस में। चेंज ऑफ एरर आर रिड्यूस्ड, तो एरर आने के चांसेस होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। हॉस्पिटल वर्कलोड इज आल्सो रिड्यूस्ड, हॉस्पिटल वर्कलोड भी क्या है, बहुत ज्यादा कम होता है। ट्रीटमेंट टाइम इज नाउ मोस्ट एक्यूरेट एंड नो फर्दर टाइम इज रिक्वायर्ड टू लोड और अनलोड द सोर्स। ट्रीटमेंट टाइम का टाइम क्या इसका एक्यूरेट होता है, यानी फिक्स होता है, उतने टाइम में थेरेपी मिल जाती है, और इसमें सोर्स को लोड और अनलोड करने में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। अब अपने पढ़ते हैं ब्रेकी थेरेपी के डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेकी थेरेपी। लार्ज ट्यूमर कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय ब्रेकी थेरेपी बिकॉज डायवर्जन इज शॉर्ट। ब्रेकी थेरेपी से क्या है, अपना लार्ज ट्यूमर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी डायवर्जन रेंज क्या है, शॉर्ट होती है। इट इज लॉन्ग टाइम प्रोसीजर, यह ब्रेकी थेरेपी में क्या है, एक लंबा प्रोसीजर होता है। नो इजिली अवेलेबल, यह क्या है, इजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है। एक्सपेंसिव एंड पेनफुल, ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और पेनफुल होता है इसका ट्रीटमेंट। ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब अपने बात करते हैं ब्रेकी थेरेपी के एडवांटेज की, इसके अपने को क्या क्या फायदे होते हैं। सोर्स रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद ट्यूमर, सोर्स क्या है, ट्यूमर के साथ में पूरा लगभग टच में रहता है, तो क्या ज्यादा रेडिएशन अदर ट्यूमर्स को, अदर सॉरी टिश्यूज को नहीं लग पाती है। इट्स डिलीवर ए पर्टिकुलर डोज इन शॉर्ट टाइम, ये क्या है, जो अपनी पर्टिकुलर डोज होती है वही डिलीवर करता है फिक्स टाइम में, कम टाइम में, और अदर्स पास के टिश्यूज को रेडिएशन नहीं लगने देता है। द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू कैन नॉट बी इजिली सॉरी कैन बी इजिली प्रोटेक्टेड, जो अपने इसके पास के टिश्यूज होते हैं, सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, उनको अपने आसानी से प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। डोज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट कैन बी कंप्लीटेड, इसमें क्या डोज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी कम ज्यादा डोज लगने के कोई चांस नहीं होते हैं, फिक्स डोज रहती है। ये अपने क्या है, ब्रेकी थेरेपी कंप्लीट होती है। अपन ने रेडियोथेरेपी कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपने क्या है टेलीथेरेपी और ब्रेकी थेरेपी थी। टेलीथेरेपी में टेलीकोबाल्ट मशीन, किलो वोल्टेज और लीनियर मशीन पढ़ ली थी, और लास्ट में अपने ब्रेकी थेरेपी और इसके पार्ट्स पढ़ लिए। ये अपना रेडियोथेरेपी कंप्लीट होता है। थैंक यू।